नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के शो में बाजार में पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300 1634, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline और X.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही हमारे खास एक्सपर्ट से भी खास चर्चा रहेगी। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि आज कैसा रहा बाजार में कारोबार। तो हमने देखा बहुत ही उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज कारोबार हुआ। सेंसेक्स लाल और निफ्टी की हरे निशान में ही क्लोजिंग हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 के लेवल पर बंद हुआ, 930 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में लगभग 127 अंकों की आज तेजी रही और ये 45,818 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आखिरकार आज के बाजार में क्या रहा खास। भारतीय बाजार में आज फिर से उतार चढ़ाव के बीच बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार हुआ। जी हाँ, 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा। मजबूती के साथ खुले बाजार, अमेरिकी बाजारों से संकेत बेहतर थे। 22,000 के ऊपर खुलने के बाद 22,050 तक निफ्टी पहुंचा भी, और उसके बाद धीमे धीमे मुनाफा वसूली आती दिखी और नीचे पहुंचे 200 पॉइंट 21,850 तक। उसके बाद सीमित दायरे में कारोबार बंद होते होते 21,925 के आसपास पूरे 1 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ निफ्टी यहाँ बिल्कुल सपाट। बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी थी, पुट कॉल रेशियो काफ़ी कम यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन काफ़ी हल्की, 46,000 के आसपास ऊपर खुले भी लेकिन टिक नहीं पाए वापस से प्रॉफिट बुकिंग। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर से गिरा नीचे में 45,600 के आसपास पहुंचा भी, बंद होते थे 45,825 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी में भी दिखा। हल्के फुल्के तेजी के साथ, हल्की रिकवरी के साथ खरीद आज क्लोजिंग होती दिखी। तो निफ्टी फ्लैट रहा, बैंक निफ्टी में भी शांत कारोबार आपको देखने को मिला। सेंसेक्स में भी कमोवेश इसी तरह का कारोबार था, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव बड़ा नहीं देखने को मिला, सीमित दायरे में कारोबार हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज फिर से एक्शन में थे, दोनों ही इंडेक्स नए लाइफ हाई के आसपास पहुँचते हुए दिखे, यहाँ पर तेजी भरपूर रही। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में भरपूर है, आज फिर से सरकारी कंपनियों का बोलबाला रहा, अच्छी तेजी होती दिखी। काफ़ी हद तक कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स जिसमें ट्रेंड के नतीजों के बाद, नेस्ले के नतीजों के बाद खरीदारी बनती हुई दिखी। रिटेल शेयरों में तेजी बनती दिखी, ट्रेंड ने 15% से ज़्यादा की रैली बनाई। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं नतीजों के दम पर, फ्लोज के दम पर IT शेयर थोड़े बहुत एक्शन में आते हुए दिखे। सो पूरा एक्शन बाजार में स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होता दिख रहा है। लाइफ हाई के आसपास निफ्टी पर हम हैं, बैंक निफ्टी अब भी उतनी मजबूती नहीं दिखा पा रहा है, इसलिए सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि बाजार में फरवरी महीने का जो ट्रेंड है जिसमें ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग, नीचे के लेवल पर सपोर्ट, ये ट्रेंड चल रहा है दिन के दौरान भी और पोजिशनली भी, और आज भी वही ट्रेंड बरकरार रहा। दूसरा ट्रेंड जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में है, जबरदस्त खरीदारी, शानदार तेजी, वो भी आज आपको फिर से देखने को मिला। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों को भी देख लें। हमने देखा आज FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,691 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगभग 327 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और अब हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं हमारे खास एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका आज के शो में। जानना आपसे चाहेंगे बाजार पर आपकी राय और आगे क्या लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग स्वाति और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। सबसे बड़ी चीज, आज बाजार काफी सपाट रहा, काफी फ्लैटिश रहा और आने समय में भी हम काफी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं मार्केट्स में, बिकॉज ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब इलेक्शन का माहौल बनते जा रहा है आने वाले समय में और ग्लोबल मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट जो अंडरटोन है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स जो है अब 22,000 के ऊपर बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं, अच्छी खासी रैली भी बन सकती है, बट वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। जैसे हमने देखा PSU स्पेस काफी बजिंग है, मुझे लगता है मेटल स्पेस में भी काफी एक अच्छा रुझान रह सकता है
आने वाले समय में। एडेड टू दैट फार्मा एक अच्छा कर सकता है, तो मेटल्स फार्मा पीएसयू से डेफिनेटली बजिंग है ही। ये सारे ही स्पेस पे मेरी काफी पॉजिटिव राय है। आईटी में मिड कैप आईटी भी मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो बाजार में कहीं पे भी अगर गिरावट मिलती है तो वो लेने का मौका रहेगा, ये बार बार कहूंगा। मुनाफा भी थोड़ा थोड़ा आप बांधते रहे, क्योंकि बाजार एक बहुत ही अच्छे फुल फॉर्म में है, मुनाफा बांधना जरूरी है। ओके, तो ये रही राय और कौन से सेक्टर्स पर रहे ध्यान, ये बताया सिद्धार्थ ने। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी चर्चा कर लें आप, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? जी, पोजिशनल तौर पे जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है मैरिको। मैरिको पे खरीदारी की राय, एफएमसीजी की कंपनी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 500 का, टारगेट आपको रखना है 580 का। अप्रैल 2023 विद अ डिस्क्लेमर, हम हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। लीडिंग एफएमसीजी प्ले है, प्रोडक्ट्स इनके 25 कंट्री से ज्यादा अवेलेबल है, और इनके जो स्टार प्रोडक्ट्स है जैसे कि पैराशूट, विंटर्स में बजिंग रहता है, सफोला और बहुत सारे प्रोडक्ट्स। मैं मानता हूं कि मुनाफा भी जो जिस हिसाब से अच्छा ग्रो हो रहा है आने वाले समय में और भी ऑप्टिमिस्टिक रह सकता है, ग्रोथ अच्छे रह सकते हैं। प्रीमियमाइजेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी, ये बहुत ही मजबूत थिंग है जो मेरिको के लिए बहुत बड़ा बूस्ट रह सकता है। हम उम्मीद करते हैं 10% की आई में ग्रोथ रह सकती है आने वाले 2 सालों के लिए, और अब 5.5% के आसपास का वॉल्यूम रह सकता है सीएजीआर बेसिस पे इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। मार्जिन भी बेहतर रह सकते हैं। मेरिको पे खरीदारी की राय है, टारगेट आप रखे 580 का, स्टॉप लॉस आप रखे 500 रुपए। जी, मैरिको में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है आपके लिए सिद्धार्थ सिराने की तरफ से। 500 का स्टॉप लॉस, 580 टारगेट पर जरूर रखिएगा ध्यान। लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक क्या है आपके पसंद सिद्धार्थ? स्वाति, लॉन्ग टर्म नजरिए से आपको जो स्टॉक खरीदना है वो होगा मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स पे खरीदारी की राय, टारगेट आप रखें 1272 का, 1272 का। ये सितंबर 2023 यानी कुछ महीनों से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद अ डिस्क्लेमर, अलग अलग नीचे के लेवल पे रेकमेंड कर रहे हैं, अभी भी हाल में रेकमेंड किया है। मेट्रो ब्रांड्स पे खरीदारी की राय है, वन स्टॉप स्टोर है फुटवेयर का, ऑल ऑल इंडिया रिटेल फुटप्रिंट है, ग्रोइंग ऑनलाइन प्रेजेंस है इनका, और जो इनके मेन ब्रांड है वो मेट्रो, मोची, वॉकवे, तो ये सब ब्रांड्स है। Q3 के रेवेन्यूज भी 6% से बढ़ते हुए दिखे, और सबसे बड़ी चीज ग्रॉस मार्जिन्स ये एक्सपैंड होते हुए दिखे। पार्टनरशिप इन्होंने फुट लॉकर से भी किया हुआ है, फिला से भी एक लाइसेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। मैनेजमेंट गाइड कर रही है 18% आई में सीएजीआर ग्रोथ रह सकता है, और 10 से 12% की न्यू स्टोर ग्रोथ रह सकती है। मेट्रो ब्रांड्स कामकाजी मार्जिन भी 30%+ रह सकते हैं, इस पे खरीदारी की राय है। और आप टारगेट रखें 1272 का, 1272 का लंबे समय का निवेश है, यानी 6 से 12 महीने का निवेश बिल्कुल गिन के चले। बिल्कुल, 6 से 12 महीने के लिए मेट्रो ब्रांड्स में खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से 1272 के टारगेट के लिए। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ गुजरात से अनिल जी हैं। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं विप्रो में एंटर करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ, अभी एंटर कर सकता हूँ? किसमें सर, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी, फिर से पूछिए। सर मैडम, मैं विप्रो में एंटर करना चाहता हूँ, तो ये सही समय रहेगा? बाय करना चाहता हूँ विप्रो। ओके, विप्रो में इन लेवल्स पर एंट्री की सलाह रहेगी आपके सिद्धार्थ? देखिए अनिल जी, विप्रो पे एंटर अभी ना करें। मेरा मानना है कि अभी इस पे मुझे ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। आपको अगर एंटर करना है, आज ही मैंने सिप की सिप में एक नया बास्केट बनाया है जिसका नाम है टेक टीन्स। टेक टीन्स मतलब टेक्नोलॉजी के टीनेज कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, इस पे निवेश करें। 4 कंपनियां मैंने इक्वल प्रपोर्शन में रेकमेंड की है, अगर नाम दे दूं तो एम्फोसिस, साइंट, मैपमा इंडिया और मास्टेक। टारगेट आप रेफर कर सकते हैं वीडियो को जो जी बिजनेस पे ही अपलोड किया गया होगा, क्या टारगेट है। ये चारों कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, टेक टीन्स रादर देन विप्रो।
ओके, तो विप्रो से अभी फिलहाल आपको दूर रहने की सलाह दी गई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ स्टॉक्स जो आपको दिखा रहे हैं मैप माई इंडिया, साइंट, एम्फेसिस, यहाँ पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉल से बात करें, कुंदन जी इस वक्त हमारे साथ है बिहार से, नमस्कार बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, कुंदन कुमार बोल रहा हूँ पूर्णिया बिहार से। मैडम हमने, मैडम सिद्धार्थ को भी नमस्कार मेरा, हमने मैडम 10-15 दिन पहले क्वेश्चन किया था इरेडा पे, तो बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने, आज तक मैं होल्ड किया हुआ मैडम, अच्छे प्रॉफिट में है। मैडम आज का मेरा सवाल है HBL पावर पे एंड पटेल इंजीनियरिंग पे। मैडम HBL पावर हमने 35 के भाव पे 300 शेयर लिया है और पटेल इंजीनियरिंग 16 के भाव पे मैडम 800 शेयर हमने लिया हुआ है। करीब करीब पटेल एक साल पहले पटेल इंजीनियरिंग लिया है मैडम एंड HBL पावर करीब 2 साल पहले लिया है, तो दोनों का भविष्य जानना चाह रहे हैं मैडम, लंबा इस पे दे सकते हैं टाइम। पटेल इंजीनियरिंग में खरीद आपकी कितनी है? 16 रुपए की मैडम। 16 रुपए और HBL पर 35 रुपए की खरीद है मैडम, 300 शेयर। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में पहले आपको बधाई देना हम चाहेंगे मुनाफे की। और अब ओवर टू सिद्धार्थ, बताइए सिद्धार्थ, इनकी तो बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर एंट्री है, आगे क्या फ्यूचर देखते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इनकी जो मल्टी बैगर एंट्री है काफी जबरदस्त है, तो मुबारकबाद। और सबसे बड़ी चीज, आपको ये जो मल्टी बैगर की बधाइयां है ये अभी भी बरकरार रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां अच्छी है, दोनों पावर में एक अच्छा ट्रैक्शन है, पटेल इंजीनियरिंग में एक ट्रैक्शन है पावर में, तो पावर क्षेत्र में ओवरऑल ही आपको एक अच्छा पुल बैक दिख रहा है। ये जरूर है कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें और फिर राइट डाउन करते रहे, ये दोनों ही कंपनियां 3 महीने के पर्सपेक्टिव से आप होल्ड रख सकते हैं। तो रही आपके स्टॉक्स पर ये राय, पुष्कर जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास मदर सन सुमी है, 100 रुपए से 300, तो आज इस, तो अभी इसको रखना चाहिए या मतलब इससे बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है क्या? नहीं मैम, लॉन्ग टर्म का है। ओके, क्या रहेगी आपकी राय मदर सन सुमी पर सिद्धार्थ? देखिये, ऑटो एंजेले की काफी अच्छी कंपनी है मदरसन सुमी, और संवर्धना मदरसन जिसका नाम बदल गया है, तो इस पे आप बने रहिए, क्योंकि ऑटो स्पेस पिछले साल का भी अच्छा परफॉर्मर था, मुझे लगता है कि ये साल का भी अच्छा परफॉर्मर रह सकता है, तो इस पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी ऐड करना हो इसी स्पेस में, तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन वगैरह, ये भी एक ऑटो एंजेले की अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो रही आपके लिए राय इस स्टॉक पर। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर मेरा नाम नंदराम गुर्जर है, तो सर मुझे इरेडा के बारे में पूछना था सर से। क्या जानना चाहेंगे? सर मैंने 700 शेयर ले रखे हैं इरेडा के 116 में। ओके, और कब तक का व्यू चाहिए आपको? तो मैं उनको रखूं या निकाल दूं? अच्छा, तो एक दिन डाउन हुआ, फिलहाल ये थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए हैं अब सिद्धार्थ, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, मेरा मानना है कि उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि बाजार एक मोमेंटम में है, मोमेंटम जारी है, और ये स्पेस में भी मोमेंटम जारी है, पार्टी चालू है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट अच्छा स्टैक्ड अप है, अंडरटोन स्ट्रॉन्ग है, तो बने रहने की सलाह। बट हाँ, आप मंथली बेसिस पे रिव्यू करते रहिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भी रिव्यू जरूर करिएगा, क्योंकि रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है मार्केट्स में। बिल्कुल, तो रिव्यू करते रहिए, यही आपके लिए सलाह है आपके स्टॉक इरेडा पे। आइए आगे बढ़े, और संदीप कुमार दिल्ली से हमारे साथ अगले कॉलर, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार बताइए सर, कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम, संदीप जी पूछिए। इंजीनियस इंडिया लिमिटेड का 80 शेयर 197 के रेट पे हैं, और गांधार ऑयल का 173 पे 80 शेयर है, क्या करें मैम, होल्ड करें या सेल करें? पहला स्टॉक फिर से बताएंगे।
इंजीनियस इंडिया लिमिटेड। ओके ठीक है, ऑल राइट। और दूसरे स्टॉक की आपकी खरीद कितनी है? 80 शेयर हैं 173 के रेट पे, गांधार ऑयल। ओके, तो AIL और गांधार ऑयल क्या रहेगी राय आपकी दोनों स्टॉक्स पर? सिद्धार्थ, ठीक है, गांधार ऑयल पे तो हमारी कोई कवरेज नहीं है तो इस पे कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा, बट इंजीनियर्स इंडिया डेफिनेटली आपको बनाए रहना चाहिए। अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों का आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने भी बहुत कुछ बात चर्चा की लोकसभा में, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो आपको बने रहना चाहिए। ओके, तो आपके लिए स्टॉक्स पर राय दी सिद्धार्थ ने। जम्मू से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी मैं मशरूम के लिए लेन ले रखा है बहुत टाइम से, 100-200। ओके, कब तक का व्यू चाहिए आपको? बस यही मैं अगले साल तक, इसमें कुछ हो नहीं रहा है बहुत टाइम से, कंसोलिडेशन चल रहा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। 145 का भाव अशोक, बिल्कुल अशोक लेलैंड पर क्या व्यू रखते हैं आप सिद्धार्थ? 145 किन की खरीद है? एक्चुअली मार्केट में स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है इसमें कुछ हो नहीं रहा है। 145 का 177 हुआ है, मैं मानता हूँ यहाँ से भी अभी भी एक पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है, और हम मानते हैं कि इसमें एक पॉजिटिविटी रहते हुए अच्छा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में काफी अच्छे नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, स्पेशली ऑन द ईवी स्पेस, तो बिल्कुल बने रहिए। ईवी कमर्शियल व्हीकल की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, थोड़ा सा सबर करें, ये भी दूसरी कंपनियों के साथ रिटर्न और परफॉर्मेंस में जरूर मैच कर सकता है, तो बने रहिए। लेलैंड पर यही आपके लिए सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अर्जुन जी अगले कॉलर है, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी, पूछिए सर सवाल। मैं अर्जुन शुक्ला बोल रहा हूँ, मेरा सवाल है मिष्ठान फूड्स के शेयर के लिए, वो आज मैंने 24 रुपए में खरीदा है। व्यू कब तक का चाहिए आपको? कब तक के लिए व्यू चाहिए सर? स्टॉक एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मिष्ठान फूड्स। ओके, मिष्ठान फूड्स पर इनका नजरिया लंबी अवधि के लिए सर क्या रहेगी आपकी राय? देखिए माफी चाहूंगा क्योंकि मिष्ठान फूड्स पे मेरी कोई नजरिया या कोई राय नहीं है, ना कोई रिपोर्ट है, तो इस पे नजरिया तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ मिष्ठान जरूर खाता हूँ, तो ये एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। इसी समूह में एक कंपनी है ADF फूड्स, जो रेडी टू ईट बनाती है, आप पोहा रेडी टू ईट खाते हैं, राजमा चावल, पनीर चावल, तो ये जो रेडी टू ईट फूड सेगमेंट है ये काफी बजिंग है, 90% से ज्यादा का एक्सपोर्ट है इनका, तो ADF फूड्स पे मेरा नजरिया है पॉजिटिव, इस पे ध्यान दे सकते हैं, बाकी मिष्ठान जरूर खाते हैं। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त नैस्डेक और डाओ फ्यूचर्स दोनों बेहद शांत कारोबार करते दिख रहे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कोई खास फर्क नहीं, तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है, लेकिन लगातार 3-4 दिनों से FIs की तरफ से आंकड़े ठीक आते दिख रहे हैं खरीदारी के, और लोकल फंड भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी के मूड में, ज़्यादा बेच नहीं रहे, देखते हैं आज के आंकड़े किस तरह के होते हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और साथ ही साथ कल है वायदा, कल है RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी भी, 10 बजे गवर्नर साहब अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इस लिहाज से बैंक निफ्टी कल काफ़ी अहम होगा। एक, आज वीकली एक्सपायरी होने के बाद बैंक निफ्टी में पोजीशंस काफ़ी कम बची है, हल्की बची है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी हल्के होने के बाद पॉलिसी के दिन कुछ बड़ा एक्शन तेजी का दिखा सकता है। अब तक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा मौका बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है अगर रिकवरी आनी है तो, लेकिन सपोर्ट चाहिए ग्लोबल अमेरिकी बाजारों से, संकेत वैसे फ्यूचर से तो खास है नहीं, देखते हैं आज वहाँ पर किस तरह का ट्रेड होता है। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेतों के दम पर और FIs की खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों के दम पर हम करेंगे शुरुआत, और उसके बाद 10 बजे जब गवर्नर साहब की पॉलिसी आएगी, पॉलिसी में तो कोई बदलाव होना नहीं है, लेकिन पॉलिसी में गवर्नर साहब की टोन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, इन्फ्लेशन को लेकर, दुनिया भर को लेकर, ग्रोथ को लेकर वो कितने कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, कब तक रेट कट होंगे इसके संकेत मिलते हैं, उसके दम पर भारतीय बाजार कल अपना आगे एक्शन दिखाएंगे। सपोर्ट कहाँ है? 21,750 मजबूत सपोर्ट,
22,125 रुकावट, बैंक निफ्टी 45,525 45,675 सपोर्ट और 46,050 46,200 रुकावट की लेवल। इन लेवल्स को आपको नोट करके रख लेना ध्यान से। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन था, है और रहेगा, चुनिंदा खरीदारी वहां पर करते रहें। कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग जाए मिड कैप शेयरों में स्मॉल कैप शेयरों में तो अब हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी वहां कर लीजिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी में करिए, वापस से खड़े हो जाइए, 5-10% का फॉल आए फिर से ले लीजिए। सो थोड़ी सी ट्रेडिंग करने का माहौल आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट में मार्केट का मूड माहौल अभी तक अच्छा है, उसके डिस्टर्ब होने के कोई संकेत है दूर दूर तक है नहीं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत करते हैं, कहां पर है मौके कल के बाजार में? देखिए कल पॉलिसी है, एक्सपायरी भी है तो वॉलिटिलिटी मिलेगी और हमें फोकस करना चाहिए 21,900 की कॉल ऑप्शन पे और इसकी राइट बाइंग प्राइस 70 के आसपास है। बाय ऑन डिप करेंगे यानी 21,900 की कॉल 70 से 75 के आसपास खरीदनी है और स्टॉप लॉस होगा 45 का और फिर ऊपर टारगेट आपको 125 से 130 के मिलेंगे। तो 21,900 की कॉल 70-75 पे खरीदना है, आपका स्टॉप लॉस 45 और टारगेट 120 तक होंगे। जी तो ये रही कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रेटजी नितिन मुरारका जी की तरफ से। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। और सिद्धार्थ आपसे जानेंगे एक से दो दिन का नजरिया कहां पर रखा जाए? देखिए एक से दो दिनों का नजरिया अगर शॉर्ट टर्म में आपको रखना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैकडॉवेल पे खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1060 का, टारगेट 1123 का, 1123 के टारगेट के लिए मैकडॉवेल। United Spirits, one of the leading alcoholic beverages company in the world, and of course India का तो leader है ही है, IMFL segment में 55% से ज़्यादा का market share, United Spirits target 1123। 1123 के target के लिए United Spirits में intraday खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के expert सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ हमसे बातचीत करने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।